हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वाड। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकॉस। ओके, जो इकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड था, वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड क्या था? उसमें एक फर्स्ट था ओइकॉस, OIKOS, जिसका मीनिंग था हाउस और सराउंडिंग कंडीशंस। ओके, जो हमारी सराउंडिंग कंडीशन है उसको ग्रीक में क्या बोलते हैं? ओइकोस। और जो था लास्ट में लोगोस, LOGOS, उसका मीनिंग क्या था? स्टडी और नॉलेज। सो जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं उनको स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, सिंपल वर्ड्स में। जैसे सिंपली इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग कंडीशन में क्या आएगा? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आएंगे? सराउंडिंग में। तो इन सब की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन बनता है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, इन सब की जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और विद देयर इन्वायरमेंट। ओके, इकोलॉजी के आप डेफिनेशंस देख सकते हो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेशन दी है उसमें क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। और जो एक डेफिनेशन राइट हैंड साइड दी है उसमें क्या है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सॉयल, एयर एंड वाटर, दीज ऑल आर इन द इन्वायरमेंट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हम इकोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोकोलॉजी एंड सेकेंड इज़ द साइकोलॉजी। जो ऑटोकोलॉजी है उसमें ऑटोकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और द इंडिविजुअल स्पेसीज। अगर हम किसी एक स्पेसीज की बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो वो इकोलॉजी कौन सी होगी? ऑटोकोलॉजी। और अगर किसी एक ग्रुप की बात करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। ओके, इन दोनों का डिफरेंस है। आप इसको एक और एग्जांपल से देखें, लेकिन उससे पहले देख लें, ऑटोकोलॉजी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं और जो साइकोलॉजी उसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी बोल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ द स्टडी इज़ टू बी कैरीड आउट अबाउट द स्टडी ऑफ एनी ट्री। अगर आप किसी एक ट्री को स्टडी करोगे तो उसको कौन सी इकोलॉजी बोलोगे आप? ऑटोकोलॉजी। ओके, इफ़ वी स्टडी इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑन एनवायरमेंट then it is said to be साइकोलॉजी। अगर आप किसी एक फॉरेस्ट की बात करोगे जिसमें एक से ज़्यादा ट्रीज़ होंगे तो उसको आप बोलोगे साइकोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर एक ट्री की बात कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड तो उसे ऑटोकोलॉजी, और अगर एक पूरे फॉरेस्ट की बात करोगे, एक पूरी कम्युनिटी की बात करोगे तो उसे साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखिए इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी में हम जिस सिस्टम को स्टडी करेंगे उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया। अभी नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जैसे चेयर, टेबल, लाइट, सॉयल, ये सब किस में आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स में। दे आर इंटरेक्टिंग बिटवीन, देयर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट। अभी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के साथ एक इंटरेक्शन होगा और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी एक इंटरेक्शन होगा, और जो सब एक सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या था? एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट था जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो इकोसिस्टम क्या है? फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का एक स्मॉल यूनिट जो एक बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी है बायोस्फीयर, लेकिन उसका एक छोटा पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। द साइज ऑफ द इकोसिस्टम मे बी एज इक्वल टू ट्री और इक्वल टू फॉरेस्ट। जो इकोसिस्टम है वो छोटा भी हो सकता है, एक ट्री जितना भी हो सकता है, और एक फॉरेस्ट जितना भी उसका साइज हो सकता है। हमारी जो बॉडी है उसको हम एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या इकोसिस्टम की? फॉरेस्ट, डेजर्ट, दीज ऑल आर इकोसिस्टम्स। ओके, अभी इकोसिस्टम आपको समझ लग गया होगा। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जिस सिस्टम में लिविंग थिंग्स हों, नॉन लिविंग थिंग्स हों और वो आपस में इंटरेक्ट करें, तो उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे? इकोसिस्टम। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, इसमें जो डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। नॉन लिविंग कौन से हैं इसमें? लाइट, पानी, एयर, ये सब किस में आएंगी? नॉन लिविंग में। और जो बाकी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्नेक वगैरह है, वो किस में आएंगे?
लिविंग में, ये आपस में क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंप्लीट को मिलाकर जो एक सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अभी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, किसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं लेकिन जब वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करे, जब उसमें ये तीनों कंपोनेंट हों किसी एक सिस्टम में, तभी उसको एक इकोसिस्टम बोल सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई एक मिस हो गया तो आप उसको एक इकोसिस्टम नहीं बोल सकते। इन एन इकोसिस्टम देयर मस्ट बी थ्री फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें तीन फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। वो कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स होने चाहिए उसमें, कंज्यूमर होने चाहिए, डीकम्पोजर होने चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स दैट मेक, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सनलाइट और केमिकल एनर्जी। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तैयार करेंगे कहाँ से? सनलाइट से और केमिकल एनर्जी से, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। अभी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? जो खाना अपना खुद तैयार करें, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ये सब किस में आएंगे? प्रोड्यूसर में। प्लांट्स यूज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू मेक देयर ऑन फूड। जो प्लांट्स हैं कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो एक इसकी बात थी प्रोड्यूसर्स की। नेक्स्ट कंज्यूमर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट नीड अदर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। जिन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ेगा, तो ये किस में आएंगे? कंज्यूमर में। अभी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, यहाँ पर तीन टाइप के कंज्यूमर हैं। जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो है हर्बीवोरस, दोज हु ईट्स ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, जैसे शाकाहारी। ओके, दोज हु ईट्स ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, लाइक रैबिट, काओ, दे आर हर्बीवोरस। अभी कार्निवोरस सेकेंड, दोज हु ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाएं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं? लवाइन, स्नेक, दे ऑल आर कार्निवोरस। ओके, ये किसी दूसरे एनिमल का मांस खाएंगे या फिर दूसरे एनिमल को खाएंगे। थर्ड इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हो और दूसरे एनिमल को भी, खा सकते हो। मीन्स जो एवरी थिंग, दोज ऑर्गेनिजम्स हु ईट एवरी थिंग, जो सब कुछ खा जाएं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में आएंगे ह्यूमन बींग्स एंड बियर्स। ओके, ह्यूमन बींग्स जैसे आप देख सकते हो, कुछ ह्यूमन बींग्स शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। मीन्स जो ह्यूमन बींग है वो मांस भी खा सकता है, प्लांट्स को भी खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर। ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन ईटिंग डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स को खाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर, उसको आप क्या बोलोगे? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में क्या आ गया? बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, ये सब किसी में आएंगे? डीकम्पोजर में। दे आर द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में डीकम्पोजर एक क्या है? असेंशियल कंपोनेंट है। अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर में ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट एनिमल्स, एंड डीकम्पोजर में बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अभी आप इकोसिस्टम को क्लासिफाई कैसे कर सकते हो? इकोसिस्टम्स कैन जनरली बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इकोसिस्टम की मेनली दो क्लासेस हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज़ द आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? जैसे आपने कोई पार्क बना लिया, कोई गार्डन बना लिया, कोई आप जू बना लिया, तो किस में आएगा ये? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर दोज इकोसिस्टम्स दैट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग क्रिएट करेगा, जो उसको मेंटेन करेगा, उस इकोसिस्टम को आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम जैसे रिवर्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, दीज ऑल आर नेचुरल। इसमें ह्यूमन बींग का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, इसको ह्यूमन बींग किसी तरीके से इंटरप्ट नहीं करता, तो इस इकोसिस्टम को आप बोलते हो नेचुरल इकोसिस्टम। दे आर एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसकी आगे क्लासिफिकेशन है, उसमें हम देखेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम टू टाइप्स का है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ओके, एक्वाटिक जो पानी से रिलेटेड हो, ओके, जो किससे रिलेटेड हो? पानी से। वाटर बेस्ड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर लैंड बेस्ड। जो लैंड बेस्ड होगा उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, और जो वाटर बेस्ड होगा उसको आप एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलोगे। एक्वाटिक में अभी कौन से आएंगे? मैरीन वाटर इकोसिस्टम, जैसे समंदर वगैरह, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में क्या आएगा? रिवर, लेक्स, वेटलैंड्स, दीज ऑल आर अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और जो टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड है उसमें आएंगे फॉरेस्ट, जैसे जंगल की बात कर लो आप, डेजर्ट्स, ओके, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स, दीज ऑल आर अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, दोज इकोसिस्टम्स विच आर डेवलप्ड नेचुरली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन बींग। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स, डेजर्ट, लेक्स, दीज ऑल आर नेचुरल इकोसिस्टम।
एंड दे आर टू टाइप्स, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। जैसे आपको पहले बताया, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, एंड जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट। इसमें हमने देखा इकोलॉजी, इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आएंगे। उसके बाद हमने देखा इकोसिस्टम, और उसके बाद हमने इकोसिस्टम को क्लासिफाई करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।